नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे SS सेंसर्स को वाटर टैंक में कैसे इंस्टॉल करें, सेंसर्स को बांधने के लिए किसी भी CPVC पाइप या लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले पीले सेंसर से अपनी टैंक की हाइट नाप लें और इसे एक टेप से मार्क कर लें। पीला सेंसर टैंक की तल तक रहेगा, यानी कि 0% लेवल। अब हरे सेंसर को 25% टैंक लेवल, यानी कि 1/4 लेवल पे रखें और केबल टाई की मदद से बांध दें। अब नीले सेंसर को 50% टैंक लेवल, यानी के आधे टैंक पर रखें और केबल टाई की मदद से बांध दें। अब लाल सेंसर को 75% टैंक लेवल, यानी के 3/4 टैंक लेवल पर रखें और केबल टाई की मदद से बांध दें। इसी तरह आखिरी काले सेंसर को 100% टैंक लेवल पर रखें और इसे भी केबल टाई की मदद से बांध दें। ध्यान रखें कि काला सेंसर आपके टैंक के ओवरफ्लो लेवल से नीचे हो। अब एक्स्ट्रा केबल टाई के पार्ट को काट दें। आप देख सकते हैं कि हमने पीला 0%, हरा 25%, नीला 50%, लाल 75% और काला 100% लेवल पर लगा दिया है। अब टैंक के ढक्कन को खोल के जो सेंसर अरेंजमेंट हमने बनाया है उसको इस तरह से टंकी में लगा दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको टैंकी में सेंसर अरेंजमेंट को लगाना है। सेंसर्स को कुछ इस तरह से लगाएं कि सीधा पानी सेंसर्स पर ना पड़े। अब टैंकी के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दें। अगर जरूरत पड़े तो सेंसर्स टांगने के लिए आप टैंकी के ढक्कन में छोटा सा होल भी कर सकते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे कि SS सेंसर्स की वायर को एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर हमने 5-कोर की सिग्नल वायर का इस्तेमाल किया है, जिसमें 5 डिफरेंट कलर की तारें हैं। अगर आपको यह वायर मार्केट से ना मिले तो आप Cat6 LAN वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या CCTV वायर जिसमें 5 कोर हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो 5-कोर की सिंपल फ्लेक्सीबल वायर का यूज़ भी कर सकते हैं। राइट में जो आप देख रहे हैं वो 5 तारें 5 SS सेंसर्स की हैं, और लेफ्ट वाली जो 5 वायर है वो 5 कोर की सिग्नल वायर है, सेम कलर की, जो कि हमने एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करी है। अब सेंसर के सेम कलर की वायर को एक्सटेंशन की सेम कलर की वायर के साथ जॉइंट लगा दें। इसका मतलब पीली को पीली के साथ, हरी को हरी के साथ, नीली को नीली के साथ, लाल को लाल के साथ और काली वायर को काली वायर के साथ जॉइंट लगा दें। अब सभी जॉइंट्स को अच्छे से टेप लगा दें। टेप लगाते समय ध्यान रखें कि कोई भी वायर आपस में शॉर्ट ना हो। इस वायर को केबल टाई की मदद के साथ किसी भी साथ में पाइप के साथ बांध दें। पूरी वायर को अच्छी तरह से क्लिप करें केबल टाई और वायर क्लिप की मदद से, ताकि आगे कभी भी अड़के कटे नहीं।